फगवाड़ा के अर्बन स्टेट सीआरपी कलोनी विखे करीब एक साल बाद बंगलौर तो अपने परिवार नाल होली मनाउण आए नौजवान की शक्की हालातां च मौत होने का मामला सामने आया, जिसकी सूचना परिवारिक मैंबरां वालों पुलिस नूं दित्ती गई। पुलिस वालों लाश नूं कब्जे च लैके मौत के कारणां की जांच शुरू कर दी। मामले संबंधी जानकारी दिंदियां मृतक के भरा दलजीत कुमार ने दस्सिया कि उसका भरा साहिल कुमार उम्र करीब 22 साल जो कि बंगलौर विच काम करता है अते करीब एक साल बाद अपने परिवार नाल होली दियां खुशियां मनाउण लई फगवाड़ा आया होया सी अते पूरे परिवार वालों खुशी खुशी नाल होली का त्यौहार मनाया गया अते शाम नूं करीब 7 बजे उसका भरा कहण लगा कि वह घर तो कुछ ही दूरी ते अपने दोस्त जो कि एक कोठी की निगरानी वास्ते कोठी विच रह रहा है उस कोल जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद उसके दोस्त ने दस्या कि साहिल बेहोश हो गया है अते कुछ भी नहीं बोल रहा, जिस तो बाद वह तुरंत कोठी च पहुंचे अते बेहोशी की हालत च उसनू निजी हस्पताल लै गए, जिथे डॉक्टर वालों उसनू मृतक करार दे दिता गया। परिवारिक मैंबर वालों यह सारा मामला पुलिस के ध्यान च लिया गया, जिस तो बाद पुलिस वालों लाश नू कब्जे च लैके पोस्टमार्टम लई फगवाड़ा के सिविल हस्पताल विखे रखवा के अगली कार्रवाई शुरू कर दी। की नाम तुहाडा जी? दलजीत कुमार सर। दलजीत जी, की मामला जिहड़ा एक तुसीं नौजवान की लाश लैके की लगता तुहाडा? ब्रदर लगता साहिल कुमार। की गल होई उहनूं? ते गल कहिंदा उह अपने दोस्त दे घरे गया सी, दोस्त दे घरे उत्तों असीं उह छड्ड के गए 10-10:30 बजे छड्ड के गए, उहदी सेहत खराब सी ते असीं उहनूं होस्पिटल लैके आंदा ते गांधी होस्पिटल लैके गए ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਘਰੋਂ ਵਧੀਆ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬੈਂਗਲੌਰੋ ਤਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ।